बलरामपुर में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भूमि बिक्री करने वाले चार अभियुक्तों को उतरौला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब में कमाई करने गए युवक के स्थान पर एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर जमीन की रजिस्ट्री करा ली गई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में लगी थी। फर्जीवाड़ा करने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सोमवार को कामयाबी मिली। उतरौला तहसील के जाफराबाद थाना रेहरा बाजार निवासी नी सरवरी बेगम ने शनिवार को कोतवाली उतरौला में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा कि उसका बेटा जुबेर अहमद 5 मार्च 2024 को सऊदी अरब रोजी रोटी कमाने के लिए गया है। उसका नाम मसीहाबाद थाना रेहरा बाजार क्षेत्र में लगभग 10 बीघा जमीन दर्ज है। उसे कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से गलत व्यक्ति को खड़ा कर बैनामा करा लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कराई गई। विवेचना में पाया गया कि जमीन को कुटरचना कर हड़पने वालों में थाना धानेपुर तेंदुआ गांव निवासी सकट राम पुत्र मायाराम, अमरजीत पुत्र बरसाती, जुबेर खान पुत्र मुन्नू खा व वरेड़ बलिया थाना रेहरा बाजार के राजकुमार उर्फ आशाराम शामिल हैं। एसपी ने इस प्रकरण को धोखाधड़ी का अति संवेदनशील प्रकरण माना। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों ने बताया कि जुबेर के स्थान पर फर्जी व्यक्ति अमरजीत को खड़ा किया गया था। उतरौला में तहसील दिवस के दिन सरवरी बेगम नाम की महिला मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जुबैर अहमद, जो कि सऊदी अरब में रहकर नौकरी कर रहा है, उसके थ्रू बैनामा किसी मुन्नी देवी को कर दिया गया है। इस प्रकरण की मेरे द्वारा जांच कराई गई। सीओ उतरौला ने इसकी जांच की और जांच के बाद ये मामला सही पाया गया। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है 2/11/2024 को और इसमें संलिप्त चार अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला कुछ इस प्रकार का है कि जुबैर अहमद, जो कि अभी सऊदी अरेबिया में रहता है, उसके जगह पे दूसरे व्यक्ति को जुबैर अहमद बना के खड़ा किया गया और उसने बैनामा कर दिया। और इस मामले में पूरे के पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। इस गैंग के मुख्य सूत्रधार जो है वो महेश मौर्या और सकट राम है। उसमें से सकट राम उस बैनामा का गवाह भी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो व्यक्ति जुबैर अहमद बना था वो अमरजीत है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो पैसा प्राप्त हुआ था वो चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ था और चेक जुबैर अहमद के नाम था, लेकिन ये चेक जुबैर खां के अकाउंट में कैश हुआ तो उस जुबैर खां को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के नाम से ये पैसा कैश हुआ था वो राजकुमार, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और जितना पैसा चेक के माध्यम से आया उसमें 18,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपने पास रख कर बाकी पैसा आगे फॉरवर्ड किया था, जिससे साफ ये बात साबित होती है कि 18,000 उसका अपना जो कमीशन था इस पूरे गैंग को, इस पूरे कार्य को करने में, वो अपने पास रख लिया। और बाकी सबने इसमें आर्थिक लाभ कमाया है, इसके साक्ष्य हम जुटा रहे हैं और इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी इन चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, एक मास्टरमाइंड महेश मौर्या और दूसरा गवाह अभी जो है वो फरार है। और भी जो लोग इसमें हैं इन सबके रोल की जांच चल रही है और वो जल्द से जल्द बाकी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।